गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड विद पनीर बटर मसाला। सबसे पहले हमें बटर चाहिए, ऑफ कोर्स पनीर भी चाहिए 250 ग्राम। मैंने 3 टेबलस्पून बड़े वाला बटर लिया है, थोड़ा ऑयल भी लिया है। ये दालचीनी पाउडर है, ये हमारे खड़े मसाले हैं, सारे स्पाइसेस हैं इसमें, लाइक इलायची एंड तेज पत्ता एंड ऑल। इसमें लौंग भी है, इसमें ब्लैक पेपर भी है। इधर हमारे पास है रेड पाउडर, रेड चिली पाउडर बेसिकली रंग देने के लिए। अनियन, कैश्यूज कुछ मैंने काटे हुए हैं, इसके नीचे चॉप्ड हैं फाइनली, और कुछ हमने साबुत लिए हैं। क्रीम बिल्कुल फ्रेश क्रीम है। सॉल्ट, हल्दी, ये नॉर्मल लाल मिर्च है, 6 टमाटोज हैं, और गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट। तो ये सब हमारे पास है। अब हम लोग इस कढ़ाई में स्टार्ट करते हैं अपना पनीर बटर मसाला बनाना, स्टार्ट करते हैं। हमारा कढ़ाई अभी गर्म हो चुकी है बहुत अच्छे वाली। अब हम लोग इसमें बटर डालेंगे 1 टेबल स्पून। ये मैंने डाला इसमें 1 टेबल स्पून, अच्छे से मेल्ट हो रहा है, कढ़ाई गर्म थी इसीलिए। और थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी तेल, हाफ बटर एंड हाफ ऑयल। इसके बाद हमारे पास जितने भी खड़े मसाले हैं, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, पेपर, खड़े मसाले सारे मैं करूंगी इसको सौते। नाउ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, अब इसके बाद हमको इसमें प्याज डालनी है, जो हमने एक बड़ी प्याज काट के रखी थी ऑलरेडी। Now we need to saute it till the onion turns pink. ज़्यादा brown नहीं करने हैं। Guys, now we need to add tomatoes. I have taken like 6 छोटे टमाटर, और बहुत रेड टमाटर है, इससे कलर बहुत आएगा अच्छा। अगर आपका लाइक जितना लाल रंग होगा टमाटर का, उतना अच्छा सब्जी का रंग होगा आपका। गाइस, टमाटर को अच्छे से गलाने के लिए मैं उसको कवर कर दूंगी विद अ लिड, और पूरी कोशिश करूंगी जब तक इसमें से लाइक थोड़ा थोड़ा तेल नहीं छूट जाता, तब तक मैं उसको ढक के रखूं। और गाइस थोड़ा वेट करते हैं। वी नीड टू टर्न इट ऑफ एंड उसको हम वी विल लेट इट कूल डाउन, और उसके बाद वी आर गोइंग टू ब्लेंड दिस इन द ब्लेंडर। नहीं, खड़े मसाले हो सके उतने निकाल लो, क्योंकि ब्लेंडर में वरना पिस जाएंगे। तो ये ठंडा हो रहा है, मैं इसमें कैश्यू डालूंगी और इसको ब्लेंडर में कैश्यू के साथ हम लोग ब्लेंड करेंगे। वी आर गोइंग टू ब्लेंड इट।
हमारा ब्लेंड हो गया है वॉट एवर वी वॉन्ट. अब हम लोग दोबारा से बटर लेंगे एंड वी विल पुट इट इन दिस. कितना सुंदर पेस्ट है, कितना प्यारा कलर आया. एंड वी हैव एडेड लाइक नथिंग, सिर्फ खड़े मसाले थे और हमारा टमाटर. एंड इसको मैं अपना सेकेंड हैंड यूज़ करके आई विल पुट दिस वेट. अब हमारा ये हो रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा चिली पाउडर मिलाऊंगी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट. और हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ये वाला चिली पाउडर भी मिलेगा इसमें. ज़्यादा स्पाइसी मेरे यहाँ नहीं खाते हैं, तो आई एम कीपिंग इट लाइट. थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, प्लस थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, बहुत हल्का सा. अगर गरम मसाला है आप ऑप्शनल है, यू कैन पुट गरम मसाला एंड केचप. मैं भी केचप डालूंगी. मैंने आपको उस समय पे इसलिए नहीं दिखाया था केचप कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट. इफ़ यू लाइक आप केचप डाल सकते हैं. मैं थोड़ा सा केचप डालूंगी इसमें, मुझको केचप थोड़ा पसंद है. और 1.5 कप पानी जाएगा इसके अंदर. तो मेरा जो ये ब्लेंडर है इसमें से प्रॉपर तरीके से भी निकला नहीं है. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इसमें 1.5 कप पानी मिला के इसको हिला के फिर मैं लाइक इसमें पोर कर दूंगी. मैं बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहती एनीथिंग. सी गाइस, मैंने इसमें पानी मिला दिया 1.5 कप और थोड़ा सा मैं इसमें गर्म मसाला मिलाऊँगी. हमको इसको ऐसे ही छोड़ देना है जब तक ये इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता. फिर हम बाद में लास्ट में इसमें हम लोग डालेंगे पनीर के क्यूब्स और फिर फाइनली हम लोग इसमें ऐड करेंगे मलाई या फिर क्रीम. सी गाइस, इसमें से धीरे धीरे ऑयल सेपरेट हो रहा है. मैं ज़्यादा हिलाऊंगी नहीं. और जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा, मैंने जैसे पहले भी बताया क्यूब्स मैंने यहाँ पे पनीर के काट के रख लिए हैं, बस इसमें डालना बाकी है. गाइस, मैंने पनीर इसमें ऐड कर दिया. लास्ट में जब मैं सर्व करूँगी मैं थोड़ा सा इसमें मलाई ऐड करूँगी. बस हमारा पनीर रेडी है. बिल्कुल बहुत अच्छा कलर आया है. सिर्फ टमाटर से ही ये कलर आया है, उसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी नहीं डाला है इसमें.